नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट चुखौनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चुखौनी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। चुखौनी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। दो आलू को आप लेकर इस तरह से उबाल लें, नमक डालकर उबालें। आधा किलो के करीब मैंने दही ली है। दही को अच्छी तरह से आप छान लें जिससे कि उसमें लम्स ना रहें। प्याज को आप रफली चॉप काटें। इसमें आप हरा धनिया डालें, हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डलता है इसमें। एक नींबू का रस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तड़के के लिए हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे थोड़ा, और उबले हुए आलू को मैंने फ्राई कर लिया है। वैसे इसमें बिना फ्राई किए हुए आलू डालते हैं, मैंने आलू को फ्राई किया है। ऐसा करने से हमारी चुखौनी खाने में और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। आलू को फ्राई करके आप दही में डाल दें। ऊपर से मैंने हरा धनिया और डाला है इसमें। तड़के के लिए हम कुकिंग ऑयल लेंगे एक बार फिर से उसी पैन में। सरसों डाली है, मेथी डाली है मैंने इसमें, जो कड़ी में डालते हैं पीली वाली मेथी। मेथी के लाल होने पर हम इसमें जीरा डालेंगे, आधा टीस्पून से थोड़ा कम डालें आप। हरी मिर्च, आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हल्दी आप इसमें हाफ टी स्पून से भी कम डालें, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना। कलर देने के लिए हमने इसमें हल्दी डाली है। इसमें आप चौंक लगा दें, इसे आलू का अचार भी कहते हैं, और ये नेपाली डिश है, बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।